हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं रंजन कुमार पांडा आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। देखेंगे टैली में कैसे कंपनी अकाउंट खोलेंगे, वो आज हम लोग सीखेंगे। टॉपिक को जाने से पहले, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का पर। मैं क्या करूँगा, अभी टैली में जितना वर्किंग रिलेटेड है एक एक करके वीडियो में अपलोड करूंगा। आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएगा। उसके साथ मैं क्या करूंगा, ये इसका प्लेलिस्ट में जो है एक टैली प्राइम करके एक फोल्डर बना लूंगा, उसी के अंदर में जितना सारा टैली है वहाँ पर डाल दूंगा, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे, पहला टॉपिक है टैली में कैसे हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट कंपनी अकाउंट इन टैली। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, टैली जो आपका डेस्कटॉप में शॉर्टकट की है, यहाँ पे जैसे मेरा है टैली प्राइम का, तो शॉर्टकट की में आपको डबल क्लिक करके खोल लेना है। खोलने के बाद आपका स्क्रीन में ऐसे आ जाएगा, उसके मेरा ऑलरेडी कंपनी है इसीलिए शो कर रहा है नीचे। आपका पहला फर्स्ट टाइम होगा तो कुछ शो नहीं करेगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखेंगे क्रिएट कंपनी, आपको क्रिएट कंपनी में क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना है और ये जो डाटा जो है, जो अभी कंपनी क्रिएट किए टैली और टैली का जितना सारा एंट्री करेंगे वो कहाँ पे सेव होगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी डाटा जो पाथ जो है ये वाला पाथ में आपको सेव होगा, सी ड्राइव में यूजर्स पब्लिक टैली डॉट ई आर पी 9/data ये में आपका सेव होके रहेगा। तो यहाँ पर मैं कंपनी का नाम दूंगा, आपका जो भी कंपनी है उसका नाम यहाँ पर मैंशन करेंगे। मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस, आपको लीगल नेम है जो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस में ऐसे ही डाल देता हूँ, आप पूरा डालेंगे कंपनी का एड्रेस, क्योंकि आपको जो बिल जो करेंगे टैली से भी आप बिल जनरेट कर सकते हैं सेल्स बिल, तो फिर उसी में आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस रहेगा तो आपको वहाँ पर प्रिंट में आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर एड्रेस आपको जितना एड्रेस यहाँ पर देना है पूरा ये एड्रेस आपको दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, स्टेट आपको चूज करना है। मैं मान लीजिए मेरा वेस्ट बंगाल है, आपका जो भी स्टेट होगा आप वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड देना है, मैं पिन कोड दे दिया। उसके बाद टेलीफोन नंबर है तो आप टेलीफोन नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे देंगे। उसके बाद आपको फैक्स नंबर है तो यहाँ पर दे देंगे, ई मेल आई डी दे देंगे, वेबसाइट भी यहाँ पर आपका होगा तो दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि फिनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम कब से आपको ये फिनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, ये आपका मैं दे दिया मान लीजिए 1 अप्रैल 2021। एंट्री कब से शुरू कर, मतलब बुक्स बिगनिंग कब हो रहा है, मान लीजिए मेरा फिनेंशियल ईयर अभी मैं 21-22 फिनेंशियल ईयर में हूँ लेकिन मैं बिजनेस स्टार्ट कब से कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज 12 तारीख है, मैं 12 तारीख के डेट में 12 मार्च में बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 12 मार्च 2022 दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पर सिम्बल पूछ रहा है कि कौन सा सिम्बल में आप रखना चाहते हैं, मैं रुपीज़ में रखना चाहता हूँ तो रुपीज़ का रख लिया। उसके बाद यहाँ पर इंडियन करेंसी का फॉर्मेट INR का फॉर्मेट में रख लिया, उसको मैं क्या करूँगा एंटर करके मैं इसको सेव कर लूँगा तो मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। अभी क्रिएट हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कंपनी क्रिएट हो गया है, मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। अभी ये पूछ रहा है कि कंपनी तो क्रिएट हो गया, उसमें आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, आपको अकाउंट्स में मेंटेन क्या करेंगे, बिल वाइज एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एंट्री कर लिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ पे येस कर लेंगे, जो जो आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप येस कर लेंगे, जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप येस नहीं करिए। करने से क्या होगा, बहुत सारा आप एंट्री करने के टाइम में बार बार वो चीज़ को पूछेगा, तो पहले रिलीवेंट आपका आपका कंपनी के लिए क्या क्या रिलीवेंट है वो आपको देख लेना है। ठीक है, उसके पास मेंटेन इन्वेंटरी, आपका मान लीजिए जो स्टॉक का है यानी परचेज सेल्स का बिजनेस है तो स्टॉक का एंट्री आपको ज़रूरत है तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि इसको येस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्टॉक का नहीं है प्रोफेशनल का बिजनेस है, प्रोफेशनल सर्विस देते हैं तो उसमें आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना है तो आपको यहाँ पर नो कर सकते हैं। मेरा इस कंपनी का है स्टॉक का है तो मैं इसको येस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इन्वेंटरी का जो है उसको भी येस कर लो, या उसके बाद एनेबल आपको क्या बेच मार्क जो प्रोडक्शन वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उन लोग के लिए है, आप इसको करना चाहते हैं तो ये सबको कर सकते हैं। डिस्काउंट कॉलम एक इन्वॉइस जो आप सेल्स इन्वॉइस जनरेट करेंगे उसमें डिस्काउंट का एक कॉलम रखेंगे तो इसको येस कर लेंगे, वाई वाई प्रेस करके एंटर कर लेंगे तो आपको येस हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही आपको जो चीज़ चाहिए आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जीएसटी का एनेबल करना है, तो ऑटोमेटिक येस है, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपको येस करना है। मान लीजिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको नो करना है, यहाँ पे एन प्रेस करेंगे तो नो, एंटर करेंगे तो नो आ जाएगा। बैक जाके इसको येस करना है तो वाई प्रेस करके एंटर कर देंगे तो येस हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे येस किए, ठीक है, एंटर किए, तो वहाँ पे आपको जीएसटी में रजिस्टर है तो आपको जीएसटी का डिटेल्स यहाँ पे पूछेगा। क्या जीएसटी में रजिस्टर पूछेगा कि आपका स्टेट क्या है, कौन सा स्टेट में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन किए हैं, ये जो कंपनी कौन सा स्टेट में रजिस्ट्रेशन किया है, तो स्टेट दे दिया। उसके बाद वो रेगुलर में है या कंपोजिशन स्कीम में है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है, वो भी पूछा है तो वो आपको भी यहाँ पर दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आरसीसी अदर टेरिटरी में आपका है तो वो भी आप येस कर सकते हैं। मेरा एक केस में नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ, आपका होगा तो आप येस कर लेंगे। जीएसटी कब से आपका, मान लीजिए बिजनेस तो शुरू किए मैं 12 तारीख का, 12 मार्च में, लेकिन मान लीजिए मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेट में हुआ है, या फिर मैं 1 मार्च को बिजनेस शुरू कर दिया हूँ लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मेरा सर्टिफिकेट जो आरओसी में आरसी मिला जो है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिला है 12 तारीख का डेट में मिला है, तो मैं यहाँ पे 12 तारीख का डेट दूंगा। तो कौन यहाँ पे पूछा है जीएसटी एप्लीकेबल, कब से जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है जीएसटी नंबर, जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको जीएसटी नंबर जो मिला है वो यहाँ पे आपको पुट करना है। तो मैं भी पुट कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे है, मैं पुट कर लेता हूँ 19AKPP, जीएसटी नंबर पुट कर देता हूँ 19AK, उसके बाद एक के हो गया, उसके बाद डबल पी जी, उसके बाद 3993F1Z, वो ठीक है। तो आप जीएसटीआर 1 कैसे लगाते हैं, आपका वो टर्नओवर का बेस है क्या, QRP स्कीम में है, तो आप वो यहाँ पे चूज़ करता है मंथली या क्वार्टरली, जो भी ये भर रहे बाद में इसको भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लीजिए मंथली है तो मैं मंथली चूज़ कर लिया। वहाँ पे आपको एडिशनल फीचर मांग रहा है कि आप जीएसटी का रेट वगैरह का चेंज करना चाहते हैं, कि कोई कोई बिल में आप सेल करते हैं, मान लीजिए वेराइटी रेट में कुछ 5% में सेल करते हैं, कुछ 18% में भी सेल करते हैं, कुछ 28% में भी सेल करते हैं, तो आपको यहाँ पे एडिशनल फीचर का आपको ये डिटेल्स यहाँ पे आपको येस करेंगे तो आपको क्या करेगा कि HSN वाइज आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको HSN डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है ना, आपको यहाँ पे HSN का डिटेल्स नहीं देंगे, क्या है ना, यहाँ पे नो करके रखेंगे, जैसे आप बिल जैसे बनाएंगे तो ऑटोमेटिक एक एक करके आपको क्या करना, सारा डिटेल्स उस टाइम मांगेगा, तो आपको ये वाला डिटेल जो अभी यहाँ पे मांग रहा है उस टाइम आप दे सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या एक ही प्रोडक्ट सेल है तो आपको यहाँ पे येस करके सिंपली उसका डिटेल्स, HSN कोड, टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पे दे देना होगा, यहाँ पे रेट वाइज दे देंगे। उससे क्या होगा कि आपका एक ही प्रोडक्ट है तो आपको सेल में आप जब सेल करते हैं वो प्रोडक्ट को, आपको दोबारा फिर वहाँ पे पूछेगा नहीं कि प्रोडक्ट का जीएसटी रेट क्या है क्या नहीं, वो पूछेगा नहीं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मेरा वैरायटी है तो मैं इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगरेशन एनेबल जीएसटी जो क्लारिफिकेशन यहाँ पे नो करके रखा हूँ, आप बाद में इसको चेंज करना है तो कर लेंगे। ये बिल एप्लीकेबल हो रहा है कब से एप्लीकेबल हो रहा है, ये बिल का कॉन्सेप्ट जो 50 लाख से सॉरी 50,000 से एक्सीड हो जाता है एक सेल्स बिल में, तो आपको ये बिल इंप्लीमेंट होता है तो आपको इसको येस कर लिए। मेरा ये बिल एप्लीकेबल कब से, उसी दिन जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ तब से एप्लीकेबल है। इनवॉइस वैल्यू वाइज इनवॉइस वैल्यू देखना है, 50,000 से जैसे एक्सीड हो जाएगा उसके लिए मेरे को ईओ बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो इसको ये होने के बाद मैं प्रिंट ईओ बिल का जो विथ इनवॉइस यहाँ पे नो करके रखा हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है ईओ बिल अभी। जब मैं ईओ बिल में सॉफ्टवेयर से बिल जनरेट कर लूँगा टैली से, उसके बाद मैं ईओ बिल पोर्टल में जाके वहाँ पे कर लूँगा, तो मेरे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं ईओ बिल। उसके बाद आप देखेंगे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबिलिटी, अभी तो रिसेंट जिन लोगों का 20 करोड़ से एक्सीड है टर्नओवर, उन लोगों के लिए ईओ बिल कंपलसरी है। मेरा केस में नहीं है तो मैं इसको नो कर रहा हूँ, आपका केस में होगा तो यहाँ पे येस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेंगे। उसके बाद आपका बैक हो गया, आपका जहाँ पे जीएसटी से येस किए थे जब वो वाला डाटा खुल गया था। अभी आपको क्या करना है, बाकी TDS वगैरह का जो रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज इसको आप ऐसे करके आपको क्या करना है कि जो जो रिक्वायरमेंट आप करेंगे तो अदरवाइज इसको आप सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेंगे। ये आपका कंपनी खुल गया, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी खुल गया। इसी तरह आपको कंपनी
खोलना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।